जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वे निर्माण कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण करते हुए उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखें तथा पूरा हुए कार्यों का सत्यापन अवश्य कराएं। यदि कार्य मानक के विपरीत पाया गया तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वृक्षारोपण की समीक्षा के दौरान डीएम ने निर्देश दिए कि जिन विभागों द्वारा सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है, वे विभाग एक सप्ताह के अंदर सत्यापन रिपोर्ट वन विभाग को उपलब्ध करा दें, अन्यथा संबंधित अधिकारी का वेतन रोक दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा, अगर निर्माण कार्यों में यदि धन की उपलब्धता के बावजूद यदि कार्य समय से पूर्ण नहीं होता है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई भी निश्चित है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि बेहतर आवागमन के दृष्टिगत सड़क को गड्ढा मुक्त बनाया जाए। उन्होंने नगर क्षेत्र की साफ सफाई बनाए रखने के साथ ही जल जमाव की स्थिति से निपटने हेतु जल निकासी की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। सिंचाई की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि नहरों के टेल तक पानी पहुंचना चाहिए। बताया गया कि सिल्ट सफाई का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा उसका सत्यापन भी कराया जा चुका है। उन्होंने कहा, सभी नलकूप चालू स्थिति में रहें, यदि यांत्रिक विद्युत दोष से कोई नलकूप खराब हो तो उसे तत्काल प्रभाव से ठीक कराया जाए। जिलाधिकारी ने चिकित्सालयों की साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकों की उपस्थिति बनाए रखने के साथ ही एम्बुलेंस सेवा समय से उपलब्ध हो तथा जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थी आशा का भुगतान समय से करने के निर्देश सीएमओ को दिए। उन्होंने बीएसए को निर्देशित किया कि कायाकल्प के तहत स्कूलों में कार्य कराकर उसका सत्यापन कराएं। जिलाधिकारी ने नगर निगम को निर्देश दिए कि महानगर के जिन पार्कों के सौंदर्यीकरण के कार्य प्रारंभ हैं उसे 30 जनवरी तक पूर्ण कर लें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल तो बनी हुई है, बट वो सारे परिवार का गोल्डन कार्ड में नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं। 15 लाख में मुश्किल से हमें संभवतः लग रहा 5-6 लाख की चावल कर पाए होंगे गोल्ड कार्ड में। जो गोल्डन कार्ड बन जाए जितना हम क्लेम कर लेंगे वो हमारा हो जाएगा। हाँ, वो नुकसान हो रहा है तो हम गोल्डन कार्ड बनवा लें और लाभार्थी उससे क्लेम करें। जो भी मरीज भर्ती होगा उसका जब तक हमारे आयुष्मान मित्र कंफर्म नहीं कर देंगे कि इसका नाम आयुष्मान भारत का ये बेनिफिशरी नहीं है, तब तक उसका कोई भी ऑपरेशन नहीं। ये हर लेवल पर रोकने के लिए किया जाए। इमरजेंसी में तो रात में 10 बजे से कराता जाता दूरी है, लेकिन अभी रात को कोई भर्ती होता तो मॉर्निंग में वार्ड से मरीज शिफ्ट नहीं होगा। ओटी में कहीं शिफ्ट जाता है तो ओटी सिस्टर को मैंने शिफ्ट किया है कि उसको चेक कराए। यदि ओटी सिस्टर से बच जाता है तो एनेस्थेटिस्ट को कर दिया है कि आप जो है ये चेक कर रहे हैं कि आयुष्मान भारत में उसको चेक कर लिया गया है, वो बेनिफिशरी नहीं है, तभी ऑपरेशन करें। यदि बेनिफिशरी है आयुष्मान की सुविधा दी जाए, जिसमें हमारा तो कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ पेमेंट नहीं हुआ था जो हमने उनके मंगाए थे सामान हाथों के लिए, हमने कर दिया कि उसको हर केस में कर उसका पेमेंट कर दीजिए जो भी अप्लाई से लाए थे। वो तो ठीक है, बट उसकी वजह से मत करिए कर अब ये नहीं क्या भला है। मान लो किसी घर का किसी का कोरोना हो गया, कैंसर हो गया, कोई भी हो गया, तो मुफ्त में इलाज पूरे भारत में कहीं से भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ कोई करके तो कोई मुंबई में जाके टैक्सी चलाता है, उन्हीं का उपचार वहाँ मुंबई में हो जाएगा, दिल्ली में सब्जी बेचता है वहाँ उपचार हो जाएगा। इससे बड़ा लाभ का किसी योजना में नहीं है। ये तो ट्रांसफरबल है, इंडिया में पूरे भारत में किसी भी कोने में जा सकता है।
इलाज के यहाँ कैंप लग रहा है, तब वहीं से वो डॉक्यूमेंट पूरे कर देता है वही। अब इस बार यार आप लग जाओ, आपका और सर हमारे एम्बॉलिस नहीं कर नहीं पा रहे हैं। वे ना माशा भी लग जाएंगे उसको फॉलो करना होगा, नहीं तो जेल टूट जाएगा तो प्राइवेट वाले चले गए।